अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट 9 के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है 9.4 रेडिएशन। ठीक है, तो हीट को ट्रांसफ़र करने के बेसिकली तीन मेथड्स हैं, तीन मोड्स हैं जिनके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सेकेंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड्स में होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, सॉलिड्स में उन्हें मौजूद एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, और सेकंड जो प्रोसेस था कन्वेक्शन का, कन्वेक्शन में लिक्विड्स और गैसेस में हीट ट्रांसफ़र करती है ड्यू टू दी मूवमेंट और मोशन ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस था ये वन वे प्रोसेस था कि इसमें मोलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, सपोज कर लिया कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड या लाइट टू लेफ्ट। ठीक है, यानी किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और जो कंडक्शन का प्रोसेस था वो जस्ट सॉलिड्स में था। अगर हमने गैसेस या लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र करवानी है तो कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी। तो हमें तो एक ऐसा प्रोसेस चाहिए कि जिसमें, अगर हम ये चाहते हैं कि हीट तमाम डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करें, तो उसके लिए फिर जो प्रोसेस है वो रेडिएशन। तो रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हीट ट्रांसफ़र करती है तमाम डायरेक्शंस में वेव्स की फॉर्म में, और ये हाई रेंज प्रोसेस है कि बहुत दूर दूर तक अगर आपने हीट को ट्रांसफ़र करवाना है तो फिर आप रेडिएशन की प्रोसेस को यूज़ करेंगे। जिस तरह के सन से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, तो वो रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू है। क्योंकि अगर हम कन्वेक्शन के प्रोसेस को दें तो कन्वेक्शन का प्रोसेस तो फेल है। ठीक है, क्योंकि जो सन के करीब, ऐसा तो नहीं कि सन के करीब के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप होंगे तो वो ट्रांसफ़र करके आएंगे अर्थ तक। तो अर्थ से जो जिन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम है तो वो उधर ट्रांसफ़र करके जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो सन से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। इसके तो यहाँ से हमें पता चला कि रेडिएशन कौन सा प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है हीट के ट्रांसफ़र का कि जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करेगी, फ्लो करेगी वेव्स की फॉर्म में, वेव्स के थ्रू। ठीक है, अब जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हीटर में हीटर से जो हीट ट्रांसफ़र हुई है वो कन्वेक्शन की प्रोसेस में, और ये ठीक है, इसी तरह हीटर या फायर प्लेस में एक तो कन्वेक्शन की प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, लेकिन साथ ही कन्वेक्शन के साथ साथ यहाँ पे रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू भी हीटर से हीट ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, क्योंकि एयर क्या है कि एयर एक बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो कन्वेक्शन की प्रोसेस का तो ये होगा कि वो मूव करेंगे जो मोलिक्यूल्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, लेकिन तमाम डायरेक्शन में जो हमने करवानी है तो फिर रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र करेगी। क्या अगर हम ये चाहते हैं कि हीट रेडिएशन जो है वो मूव ना करें तो आप उसके रास्ते में कोई, उनके रास्ते में कोई रुकावट रख देंगे, कोई कार्डबोर्ड या कोई पेपर की शीट रख देंगे, तो यूँ जो रेडिएशन है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करेंगी। ठीक है, तो कोई बॉडी, तमाम बॉडीज हर वक्त रेडिएशंस को इमिट कर रही होती हैं और कुछ एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। ठीक है, तो फिर रेडिएशन का जो प्रोसेस है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी किसी भी सरफेस में या किसी बॉडी में से कितनी रेडिएशन इमिट हो रही है या कितनी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये तमाम बातें जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। फैक्टर्स हैं कलर, फर्स्ट फैक्टर है कलर एंड टेक्स्चर ऑफ सर्फेस है, सेकेंड इज सर्फेस टेम्परेचर एंड थर्ड इज सर्फेस एरिया। ठीक है, कलर, अब कलर के कुछ ऐसे कलर्स हैं जो कि एक अच्छे एब्जॉर्बर हैं कि जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ है जो कि इमिट करते हैं। ठीक है, फिर टेक्सचर से मुराद ये है कि उसका स्ट्रक्चर या कंपोजिशन क्या है सरफेस की, सरफेस रफ है या स्मूथ है। अगला है सरफेस टेम्परेचर, तो सरफेस टेम्परेचर से मुराद क्या है कि जिस बॉडी से रेडिएशन इमिट हो रही हैं उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वो बॉडी रेडिएशन को इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी। अगला जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया के साथ भी एमिशन ऑफ रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का एक डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, किसी भी बॉडी का जितना एरिया ज़्यादा होगा वो इतनी ज़्यादा रेडिएशन को इमिट या एब्जॉर्ब कर सकेगी। हमने ये देखना है कि बॉडीज जो है वो कब
रेडिएशंस को इमिट करती है, उनको एब्जॉर्ब करती है, तो इस चीज़ का डायरेक्टली बॉडी के टेम्परेचर के साथ है। अगर तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, सराउंडिंग के नस्बत बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उस वक्त बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी बल्कि रेडिएशन इमिट करेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप गर्म चाय का कप लें या कॉफ़ी का कप लें तो आप देखेंगे कि उसमें से रेडिएशन इमिट होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। और ये असूल है कि चाहे वो पानी है या हीट है, तो मतलब कि कोई भी चीज़ है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। इन टेम्परेचर कहाँ से फ्लो करेगा, सॉरी हीट कहाँ से फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। तो चाय के कप या कॉफ़ी का कप का टू का टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेडिएशन को इमिट करेगी, वो उसको रेडिएट करेगी सराउंडिंग से, और उस वक्त तक रेडिएट करती रहेगी जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ मैच नहीं कर जाता, ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो जाता। इसी तरह बॉडी कब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, जब उसका टेम्परेचर सराउंडिंग की नस्बत कम होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ठंडे पानी का गिलास रखे हैं, ठंडे यख पानी का, तो अब उसका टेम्परेचर कम है, ठीक है, और वो उस सूरत में रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा बल्कि रेडिएशन को अब्सॉर्व करेगा, यानी सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सराउंडिंग से अब्सॉर्व करेगा ठंडे पानी, ठंडा पानी। और अब देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो पानी जो ठंडा यख था, चिल वाटर था, वो जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये उस वक्त तक काम होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज़ का यानी सराउंडिंग का और किसी बॉडी का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, जब तक इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो जाता। इसी तरह कोई भी सरफेस या कोई भी बॉडी कितनी रेडिएशन को इमिट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी तो ये एक्चुअली उस सरफेस की नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके कंपोजिशन पे, उसके कलर पे, उसके टेक्सचर पे डिपेंड करता है। तो इसी बात को समझने के लिए मुख्तलिफ सर्फेसिस को कंपेयर किया गया था लेस्ली क्यूब से, ठीक है, लेस्ली क्यूब। तो लेस्ली क्यूब एक्चुअली एक मेटल बॉक्स है जिसकी चार फेसेस होती हैं, ठीक है, एक उसकी उस मेटल बॉक्स में खोल होता है जिसके थ्रू आप गर्म पानी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, और फिर उसकी फोर फेसेस है। एक फेस में क्या है कि हमने शानी सिल्वर सर्फेस रखी हुई है, क्या सिल्वर कलर की कोटिंग की हुई है, सेकेंड को डल ब्लैक सर्फेस बनाया हुआ है, उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग की हुई है, और जो एक और सर्फेस है उस सर्फेस का कलर वाइट है, और फिर जो चौथी सरफेस है तो उसको हमने कोई भी कलर दे देना है, ठीक है, इसे कोई भी कलर आप उसे दे देना है। अब जैसे ही लेस्ली क्यूब में गर्म पानी डाला जाता है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आप डिफरेंट सरफेसेस को सामने रखेंगे गैल्वेनोमीटर की या रेडिएशन डिटेक्टर, क्योंकि रेडिएशन डिटेक्टर यूज़ करेंगे आप, डिवाइस यूज़ करेंगे जो कि बताएगा हमें कि कोई भी बॉडी कितनी रेडिएशन उसको इमिट कर रही है, एब्जॉर्व कर रही है। तो हम डिफरेंट सर्फेसेस को जब हमने गर्म पानी डाला तो डिफरेंट सर्फेसेस की साइड्स को आपने गैल्वेनोमीटर की तरफ कर देना है, जो हमने रेडिएशन डिटेक्टर यूज़ किया। गैल्वेनोमीटर एक्चुअली डिफ्लेक्शन शो करवाएगा ना, ठीक है, और रेडिएशन डिटेक्टर क्या है कि वो बता रहा है कि कितनी रेडिएशन उसमें इमिट करे कोई सरफेस से, कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब करें। तो और इसी लेस्ली क्यूब एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो डल ब्लैक सरफेस है, यानी काले रंग की कोई भी सरफेस या काले रंग की कोई बॉडी है, तो रेडिएशन को इमिट भी करती है और अब्जॉर्ब भी करती है, ठीक है, एज कम्पेयर काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब इमिट करती है एज कम्पेयर टू अदर सर्फेस। मजीद इसको समझने के लिए तो आप सर्फेसेस ले लें, ठीक है, एक का कलर आपने ब्लैक, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग करनी है, दूसरे को सिल्वर कलर की कोटिंग आपने कर देनी है, और दोनों के दरमियान आप कैंडल रख दें, ठीक है, और थर्मामीटर दोनों पे आपने लटका देने हैं। तो आप देखेंगे कि टोटल ब्लैक सरफेस है वो अच्छी एब्जॉर्बर है और इसका टेम्परेचर जल्दी से राइज करके एज़ कम्पेयर टू सिल्वर सरफेस की नस्बत जो ब्लैक कलर की सरफेस है उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी के साथ राइज करेगा। तो इससे हमें बात क्या पता चली है कि ये एक अच्छी एब्जॉर्बर है, यानी हीट को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक कलर, जबकि जो पॉलिश सिल्वर कलर था वहाँ पर जो थर्मामीटर लगा हुआ था तो वहाँ पे टेम्परेचर उसमें जो डिफ्लेक्शन शो हो रही थी, जो जो इंक्रीज आ रहा था वो बहुत स्लोली आ रहा था। तो जिससे ये बात साबित हुई कि सिल्वर कलर की जो सर्फेसेज हैं
वो इतनी अच्छी अब्जॉर्बर नहीं है कि उसका टेम्परेचर इतनी जल्दी राइज नहीं किया करता। अब यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें डिफरेंट कलर्स की सर्फेसेज हैं, तो वो कंपैरिजन किया गया कि कौन सी सर्फेस अच्छी इमिटर है, अच्छी अब्जॉर्बर है, अच्छी रिफ्लेक्टर है। ठीक है, इनकी इमिटर से मुराद क्या है कि जो रेडिएशन को इमिट करेंगी, जो रेडिएट करेंगी, ठीक है, रेडिएशन जिनमें से निकलती हैं, और अब्जॉर्बर जो कि अब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है, जज्ब करेंगी रेडिएशन को, और रिफ्लेक्टर क्या टकरा के जिससे वापस करता है, रिफ्लेक्ट क्या कि रेडिएशन का टकरा के किसी सर्फेस से वापस पलट जाना। तो जैसे पहले देखें डल ब्लैक सर्फेस, तो डल ब्लैक सर्फेस अच्छी इमिटर भी है और अच्छी अब्जॉर्बर भी है, ठीक है, जबकि रिफ्लेक्टर नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्टर अच्छी रिफ्लेक्टर नहीं है, वर्स्ट है ये। कलर सर्फेसिस में एमिट करती हैं गुड, ठीक है, गुड अब्जॉर्बर भी हैं, गुड एमिटर भी हैं, लेकिन रिफ्लेक्टर बैड रिफ्लेक्टर हैं। फिर वाइट सर्फेस में क्या है कि वो रेडिएशन को ना इमिट करेंगी ना अब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है, हाँ रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, टकरा के वेव्स उनसे वापस पलट सकती हैं। और शाइनी सिल्वर सर्फेस में क्या है कि ये अच्छी रिफ्लेक्टर हैं लेकिन एमिटर अब्जॉर्बर नहीं है, यानी ये तो ना तो रेडिएशन को रेडिएट करेंगी वे और ना ही उनको अपने अंदर जज्ब करेंगी।